खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। 28 मई को होने वाली स्टाफ नर्सों की परीक्षा टाल दी गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने परीक्षा को स्थगित कर जून में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम ने आदेश दिए थे कि कोरोना को देखते हुए परीक्षा को प्रदेश के 2 जिलों के बजाय सभी जिलों में आयोजित किया जाए, जिस पर बोर्ड ने परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। और ऐसे में सीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अभ्यर्थियों को आने जाने में असुविधा ना हो, आवास की परेशानी ना हो और एक साथ ज्यादा भीड़ जमा ना हो, लिहाजा अब ये परीक्षा सभी जिलों में होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल इस खबर को हमने भी प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर का असर भी हो गया है। फिलहाल के लिए परीक्षा को टाल दिया गया है। दरअसल विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा था कि आखिरकार कोरोना का वक्त चल रहा है और ऐसे में इस स्थिति में परीक्षा कराना ठीक नहीं है। इस मामले को काफी गंभीरता से सीएम की तरफ से भी लिया गया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, इसे कहते हैं खबर का असर। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई और असर भी हो गया, फिलहाल के लिए परीक्षा को टाल दिया गया है। सही कह रही हैं आप दिव्या की प्रमुखता से इस खबर को और व्यापक तरीके से हमने खबर को इसको दिखाया हमने, और इसको यही कारण रहा कि यहाँ सरकार ने फैसला बदला है। 28 तारीख को परीक्षा ये होनी थी, 2 जगह पे इसका सेंटर बनाया गया था और इस पर क्योंकि फिर हमने इसमें क्योंकि कई चीज़ों का फ्लॉज होता है कोरोना के गाइडलाइंस के को लेकर के, उसके अलावा लोग जो दूर दरस्त में जो नर्सेज काम कर रही हैं वो कैसे पहुंचेंगी, ये एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसका असर भी देख को 8 बजे तक सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया कि जो 28 तारीख को परीक्षा हो रही है, खुद मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंटर्स बढ़ाए जाए, पहले तो सेंटर्स बढ़ाने की उन्होंने बात किया क्योंकि सेंटर्स यदि बढ़ेंगे तो यहाँ सीधे तौर पे दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ लोगों को जो सीधे जो परीक्षा देने वाले हैं उनको कहीं सीधे तौर पे दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा यदि कहा जाए कि दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि सेंटर बदलने का जब उन्होंने बात किया तो शिक्षा जो विभाग है उस विभाग ने समय यहाँ पे मांगा कि इसको समय हमें यहाँ पर दिया जाए और समय दे करके और उसके बाद परीक्षा को आगे के लिए तैयारियां यहाँ पर कराया जाए, तो इसीलिए जून में अब इसका समय लिया गया है। जून में अब इसको परीक्षा यहाँ पर कराया जाएगा, जून में इस परीक्षा को कराने के लिए बात की गई है और तमाम जो गाइडलाइंस है उस समय तक देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस यहाँ पर आता है। बिल्कुल राहुल, देखिए कई तरीके की समस्याएं भी आड़े आ रही थी क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो कि बाहरी राज्यों में थे, वहां काम कर रहे थे, उनको भी परीक्षा की वजह से आना पड़ता, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी पड़ती। इसके साथ ही साथ कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी थे जिन्हें सेंटर्स तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती, तो कम से कम ये राहत की बात है कि अब और भी सेंटर्स होंगे, अलग अलग जनपदों में सेंटर्स बनेंगे। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे अलग अलग जनपदों में सेंटर बनेंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार के द्वारा जो क्योंकि फैसला लिया गया है कि सेंटर्स को यहाँ पे बढ़ाने का फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है, अब देखना। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल मिश्रा हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अभ्यर्थियों को कोई दिक्कतें ना हो उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।